नमस्कार, मैं और सब अवस्थिर, आप देख रहे हैं ओ न्यूज हिंदी। चुनावी कुंभ 2022 का चुनावी कार्यक्रम चल रहा है, आपको ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कल जब यहाँ से काशी से जब वाराणसी में आपने देखा होगा कि किस तरीके से रोड शो निकला था, तो ये लगातार गाड़ी के पीछे चल रहे थे, इनसे बात करेंगे जानेंगे। ये क्या नाम है आपका? मेरा नाम सरवन साह हुआ, ये मेरा 100वीं रैली है और 100वीं रैली में मैं बनारस आया हूँ। इतनी वेशभूषा बना करके आप प्रधानमंत्री के लिए चल रहे हैं, नंगे पैर हैं, ये क्या मतलब कोई प्रण लिया हुआ है क्या प्रधानमंत्री? नहीं, वो मेरे श्री राम रूपी हैं और जनता जैसे श्री राम जो है पुरुषोत्तम श्री राम जैसे अपने राज के लिए करते थे, उसी प्रकार से मेरे श्री राम रूपी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी करते हैं। गरीबों के लिए, वंचितों के लिए, शोषित के लिए, दलित के लिए, महादलित के लिए, ओबीसी के लिए, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास लेकर पूरे भारत में कार्य करते हैं। आप जैसे प्रधानमंत्री की नरेंद्र मोदी के गाड़ी के पास पास में चल रहे थे लगातार, इतना बड़ा जो जनसैलाब दिखा, क्या लग रहा है जनता का आशीर्वाद फिर प्रधानमंत्री और योगी जी को? और पुनः योगी जी जो है माननीय योगी आदित्यनाथ प्रचंड बहुमत के साथ पुनः यूपी में सरकार बनने जा रही है, इसलिए 5 साल पूर्व मैं जब रैली करने के लिए आया था तो सारा कुछ जो है स्थिति से भटका हुआ था और आज देखते हैं सब कुछ धीरे धीरे सुदृढ़ हो रहा है और सही दिशा और दशा में चल रहा है। योगी आदित्यनाथ जो है लगातार कह रहे हैं कि 10 मार्च के बाद बुलडोजर चलेगा, तमाम जो है लोग जो अपराधी है उन पर गर्मी निकाल दी जाएगी, तो यह गधा भी साथ देगा उनका? ये गधा इसीलिए है जो अन्याय करे, जो अपराध करे, उसको गधा के तले कुचल दिया जाएगा। अखिलेश यादव अयोध्या में ऐसी गधा पकड़े दिखाई दिए थे, क्या वो गधा असली है या गधा चलेगी? यदि वह गधा ले चलते हैं, यदि वो अपने आप को हनुमान मानते हैं तो नग्न पांव चले, और आने वाला समय में माननीय अखिलेश यादव, माननीय जयंत चौधरी भी बीजेपी का हिस्सा होंगे। वो आने वाला समय ये बताएगा जो माननीय अखिलेश यादव, माननीय जयंत चौधरी जी जो है बीजेपी का हिस्सा होंगे। कहते हैं हम तो खुद ही सबसे बड़े राम भक्त हैं, तो इस राम भक्त का क्या संदेश जाएगा उनके लिए? अरे राम भक्त है तो नग्न पांव चले ना, 5 मिनट चलेंगे तो उसी में पता चलेगा, क्योंकि वह अमीरों घर से पैदा लिए हैं, गरीब को क्यों देखेंगे। और मेरे श्री राम रूपी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी गरीब घर में पैदा लिए हैं, और गरीब को देखना, गरीबी क्या चीज होता है माननीय प्रधानमंत्री जी देखे हैं, और माननीय अखिलेश यादव अमीर घर के बेटा है, लग्जरी कार है, उनके घर में सब अपने विधायक, अपने एमपी, सब अपने एमएलए हैं, जनता की परवाह क्या है? 7 तारीख को यहाँ पर वोटिंग होनी है, 10 तारीख को मतदान खुलेगा उत्तर प्रदेश का, जब मतदान खुलेगा तो क्या परिणाम आएगा? परिणाम प्रचंड बहुमत के साथ माननीय योगी आदित्यनाथ जो कि गेरुआ वस्त्र में जो है धारण करके, उनको कभी नहीं देखे होंगे सूट बूट में, यदि वो भगवा पहने हुए रहते, यदि वो रहता तो माननीय अखिलेश यादव जी की तरह सूट बूट में रहते, बदलते कपड़ा ना, एक पोशाक में देखते, एक लिबास में, इसलिए क्योंकि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास लेके चलते हैं और काम करने के लिए जानते हैं। भगवा कपड़े पहनते हैं, तो डिंपल यादव जो अखिलेश यादव की वाइफ है वो कह रही है कि भगवा रंग जो है वो जंग के समान है, जंग की तरह लोहे की। बताइए, भगवा कलर जंग भगवा कलर में नहीं पकड़ता है, भगवा भगवा होता है, शुभ का संकेत होता है, और जो बोले वो जाने, और विशेष मैं क्या कहूँ, जिनका जैसा स्वभाव है, जैसा नेचर है, वो वैसा बोलते हैं, और भगवा कलर पे इल्जाम लगाना ये असंवैधानिक नहीं है। तो फिर जो बजरंगबली जी का आपने गेटअप लिया हुआ है, आशीर्वाद जा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी जी को? अरे प्रचंड बहुमत के साथ वो फिर बाबा योगी आदित्यनाथ, इस बाबा के नगरी से मैं संवाद कर रहा हूँ, अहो सौभाग्य, और मेरा शतक पूर्ण रहा है इस रैली में, और मेरा श्री राम रूपी और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दास मोदी जी और बाबा योगी आदित्यनाथ जो है पुनः यूपी में सरकार बनाने जा रही है, डबल इंजनों के साथ जो विकास जो रुकी हुई थी उस विकास को फिर तीव्र गति से जो है बढ़ा दिया जाएगा। भैया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंच रहे हैं आपके क्षेत्र के अंदर, योगी आदित्यनाथ के लिए वोटिंग हो रही है, 7 तारीख को मतदान होना है,
तो क्या योगी आदित्यनाथ के लिए यहाँ पर वोट मांग लेंगे प्रधानमंत्री आए हैं, आप लोग साथ दे रहे हैं? बिल्कुल एकदम साथ दे रहे हैं। ऐसा है कि हम लोग यहाँ पे पूर्ण बहुमत के साथ योगी जी और मोदी जी को सरकार बनाएंगे। प्रधानमंत्री का और योगी जी का साथ दे रहे हैं? हाँ बिल्कुल 100% 300+ 300 350। अखिलेश का जब रैली था, अखिलेश जी का रैली था, तो उसमें जो है कि उनके कार्यकर्ता मंच के अगल बगल दिखाई दे रहे थे। अब वो क्या बोल रहे थे, पुलिस वाले को कह रहा था कि ए पुलिस 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 ए पुलिस वाला बदतमीज, ये सब वो कोई भाषा बोला जाता है? हाँ ये जो कोई भाषा बोला जाता है, पुलिस वाले जो है कि हम लोग की सुरक्षा में, और कहते हैं बदतमीज। मुलायम सिंह जी, मुलायम सिंह सन 2012 में लड़की को छेड़छाड़ किए थे, लड़के बोलते हैं क्या कि जो है कि ऐसा है कि लड़के हैं गलती हो जाती है। अब गलती होती है तो क्या होता है, अब गलती होती है तो उनको बहुत दुख दर्द होता है। डिंपल यादव को कार्यकर्ता सपा के छेड़ रहे थे तो बोल रही थी कि चलो हम अखिलेश भैया से कह देंगे, शिकायत कर दूंगी। सब वही है, एक ही कपड़ी का है। कभी अभी अभी न्यूज आया था मोबाइल पर, मैंने देखा था, तो मीडिया के लोग पूछे अखिलेश के ससुर जी से कि आप क्या कहते हैं अखिलेश के बारे में, तो बोल रहे थे कि अखिलेश दोबारा भविष्य में सीएम नहीं बनेंगे, जो बाप का नहीं होगा तो जनता का क्या होगा, जनता का नहीं होगा। घर वाले विरोध कर रहे हैं, और उनके घर वाले यदि चाचा नहीं जा रहे, अगर उनकी सरकार गई, परिवार, अगर सरकार उनकी गई तो ये मान लीजिए 100% कि अखिलेश को दूध जैसा मक्खी में निकाल कर फेंक देंगे। हाँ शिवपाल यादव जो है कि अध्यक्ष बनेंगे, शिवपाल यादव साथ में आए, कुछ फर्क पड़ेगा भैया? कुछ नहीं फर्क पड़ेगा भैया, यही बात बात विरोध का नहीं है, बात विकास का है। यही मिर्जा मुराद, यही राजा तालाब, यही चोलापुर, यही बड़ा गाँव है। एक हफ्ता दिन, एक हफ्ता रात नहीं मिलता था, वो भी 8 घंटा। लोग छत पे सोते थे, गर्मी में छत पे सोते थे, मच्छर काटता था, बीमारियां होती थी। आज के टाइम में लोग भूल गए हैं कि हम लोग छत पे सोते थे, पंखा चला के सोते हैं। अरे 24 एसी, एसी लोगों के घर में है, कूलर एसी चला के। अरे अब तो बम बम भरो, चाचा का नहीं हुआ, जो चाचा का नहीं हुआ वो अपने घर का होगा। चाचा ने आशीर्वाद दे दिया, साथ चाचा को लालीपॉप चटा दिया, चाचा को लालीपॉप। अखिलेश अखिलेश का यूक्रेन में। अब सोच लिया कि मोदी ऐसा जो है कि 2 घंटे के लिए जो है कि लड़ाई रुकवा दिए, आज हमारे भारतीय सुरक्षित तो वहाँ पर पड़े हैं यूक्रेन में, और कुछ आने वाले हैं। और यूक्रेन के राष्ट्रपति जो है कि गुहार लगा रहे हैं कि मोदी विश्व के दुनिया के जाने माने प्रधानमंत्री है, अगर वो चाह जाए तो लड़ाई रुक जाएगी, लेकिन मोदी जी नहीं चाह रहे। काशी में रोड शो कर रहे थे, ज्यादा बोल रहे काशी की पूरी जनता हमारे साथ। काशी में खाता न खुली, ममता बनर्जी, ममता बनर्जी, ममता बनर्जी, ममता बनर्जी क्या बोल रही थी, वो कह रही थी कि आप खेला होबा चाहे, जब खदेड़ा हो गया तो चली भाग। बीजेपी का ममता का खदेड़ा एकदम हो जाएगा, ममता का ही नहीं अखिलेश का भी हो जाएगा, बस समय का इंतजार करिए। हम लोग बोले यूपी बंगाल नहीं बनने वाला, यूपी बंगाल बनने वाला नहीं है। अब 10 मार्च को चले जाएंगे सब लोग विधानसभा में से। बैठा था आपका, आज खुल के बताइएगा, अखिलेश यादव बोल रहे हैं कि काशी ने रोड शो में दिखा दिया है कि सपा की सरकार आ रही है। अखिलेश बेवकूफ की तरह बात कर रहे हैं, अखिलेश मदमात गए हैं, अखिलेश के पास कोई अक्ल नहीं है, पप्पू की तरह बात करना शुरू कर दिए है। और जो व्यक्ति काशी की महिमा समझ नहीं पाया, काशी के लोगों की महिमा नहीं समझ पाया, काशी विश्वनाथ की महिमा नहीं समझ पाया, हिंदी हिंदुत्व हिंदुस्तान की महिमा नहीं समझ पाया, वो क्या समझाएगा? यादव मुस्लिम सब खड़े हैं तो हराएगा कौन? यादव 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 या मुसलमान, सारे लोग राष्ट्र के हित की सोच रहे हैं, लोकल लोक कल्याणकारी राज्य की सोच रहे हैं, संविधान के अनुरूप सोच रहे हैं, धर्म की रक्षा के लिए सोच रहे हैं। अखिलेश और कांग्रेस के लोग सिर बरगला रहे हैं। कल का जो रोड शो मोदी जी का हुआ है ये ऐतिहासिक हुआ है, इससे प्रतीत हो रहा है कि वाराणसी जनपद की 8 सीटें पूर्ण बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश में पुनः
योगी जी के नेतृत्व में पुनः उत्तम सरकार, अखिलेश जी का पूर्ण रूप से सफाया और ममता बनर्जी की बात जो कह रहे थे आप, ममता बनर्जी एक डायन स्वरूप महिला है, वो किसी की स्त्री नहीं हो सकती, किसी की बहन नहीं हो सकती, किसी की पत्नी नहीं हो सकती, किसी की माँ नहीं हो सकती, किसी की स्त्री नहीं हो सकती, वो साक्षात डायन का स्वरूप है जो कि निशंस हत्याकारी कराई है। अखिलेश यादव जो दावे कर रहे हैं कि काशी में बदलाव की लहर है, वैसा कुछ दिखाई दे रहा है? अखिलेश यादव यहाँ पे फिर से गुंडागर्दी वाला बदलाव करना चाहते हैं। यहाँ पे अधिकारियों को उनकी भाषा नहीं सुने आप, उन्होंने कहा है पुलिस तुमसे ज्यादा बदतमीज कोई नहीं है, ऐसे अखिलेश यादव ही बदलाव लाएंगे। अखिलेश यादव यहाँ पे अधिकारियों को धमकी देके गलत गलत लोगों को मुकदमे में फंसवाएंगे। अखिलेश यादव अराजकता फैलाएंगे, महिलाओं का रेप होगा और जो रेपिस्ट होंगे वो इनके मंत्रिमंडल में होंगे, यही अखिलेश करेंगे बदलाव। अब्बास अंसारी मऊ से चुनाव लड़ रहे हैं, वो कह रहे हैं किसी अधिकारी का तबादला नहीं होने देंगे और 6 महीने यही रखेंगे, सबका हिसाब लेंगे। मैंने यही कहा, वो तो अधिकारी कह रहा है ना, आपका जो माइक है ये भी स्वतंत्र नहीं रह जाएगा, नहीं पुलिस के बल पे तो गुंडा माफिया के बल पे आपको भी दबाने का कार्य करेंगे ये लोग। आज आपकी पुलिस की आवाज और आपकी आवाज सबकी दबाई जाएगी। काशी की जनता पर बदलाव होने देगी या फिर योगी आदित्यनाथ को समर्थन करेगी? काशी की जनता एक मैसेज देगी 300 पार का, और काशी वासी देश की महिलाओं की सुरक्षा के नाम पे हमारे जवानों के जो मोदी जी ने फ्री हैंड किया, जो सेना को सशक्त बनाया उसके नाम पे, बनारस के घाटों के विकास के नाम पे, विश्वनाथ कॉरिडोर के नाम पे, भगवान श्री राम के अयोध्या नगरी के नाम पे, और ये जो सड़कें बन रही हैं उसके नाम पे, सुशासन के नाम पे, बनारस की जनता पूर्ण बहुमत 300 पार का लक्ष्य यहाँ से एक उद्घोष बाबा विश्वनाथ के नगरी से करेगी। आपकी नगरी से 300 का उद्घोष कर दिया है, क्या काशी से एक बड़ा मैसेज जाएगा विपक्ष के लिए? बहुत बड़ा मैसेज जाएगा। अब काशी विश्वनाथ में क्या लहर दिखाई दे रही है ग्राउंड? काशी विश्वनाथ में सिर्फ मोदी जी की लहर दिखाई दे रही है, भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बन रही है। मोदी जी ने कहे थे कि पूर्वांचल वाले के लोगों को गुजरात नहीं जाने पड़ेगा, 24 घंटा लाइन बिजली आंख नहीं मारती है, और इतना पावर लूम हो गया तो सब कमा रहा है, लेकिन फिर भी लोग बुराई करते हैं, वो विपक्ष वाले बुराई करते हैं और करने से जनता पे असर पड़ेगा, वो चले असर पड़ने वाला है। और मोदी जी ने 19 रुपया किलो गेहूँ खरीद कर जनजन को पहुँचा, ये मोदी जी ने नहीं देखा है कि ये हिंदू है कि मुस्लिम है, सीख ही था, दो हजार रुपया किसान खाते में जा रहा है, और जो हर चीज़ की व्यवस्था है, लेकिन वो लोग कहते हैं 5 साल मलाई नहीं मिल रही है, 5 साल जुड़े मलाई नहीं मिल रही है, इसीलिए बड़ा कष्ट हो रहा है वो लोग को, इसीलिए और कोई बात नहीं है। ये हम लोग काशी की इस्लामी स्टेट यहाँ नहीं बनने देंगे, हर कीमत पर दबाएंगे तो इस्लामी स्टेट, सपा वाले तालिबानी जैसे हिंदुस्तान ने जहाज दिया था लड़ाई के लिए अफगानिस्तान को, वो लोग पहिए पर पकड़ किसी ऊपर चढ़ जाता था, तो हम लोग तालिबानी यहाँ ही नहीं होने देंगे, अगर कोई भी आ जाए उसको खदेड़ दूंगा हम लोग। ये बताइए, कह रहे तालिबानी स्टेट बन जाएगा सपा सरकार आ जाएगी तो? ये समाजवादी पार्टी के लोग मुंगेरी लाल के सपने देख रहे हैं, इनकी कहीं कोई सरकार नहीं बन रही है, इनका कहीं कोई जनाधार नहीं है, एक तरीके से ये लोग ठगबंधन कर करके ये आम जनमानस को प्रताड़ित करने के लिए पुनः तैयार है, लेकिन योगी बाबा का बुलडोजर इनको ये काम नहीं करने देगा। 10 मार्च को सपा साफ हो जाएगी, सीटें आ रही सब फिर इस बार 300+ उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही, प्रचंड बहुमत से बनेगी सरकार। ओम प्रकाश जी कहते हैं एस्टीमेट आता पेपर में, वो बोले 10 तारीख के बाद देखो मैं ओम प्रकाश कहते हैं कि 10 तारीख के बाद मैं कौन सा अपने घर में गाना बजाऊंगा, मैं वो गाना बजाऊंगा कि तेरे मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। अब उनका सफा होगा, वो भी आर जा रहे हैं, और वो क्या बोले हमारी सरकार आ रही सबको हेलीकॉप्टर छूने को मिलेगा, अरे कुछ नहीं वो लुटेरा है, सोचते 5 साल मलाई छूट गई है, वो लोग का तकलीफ हो रहा है, इसीलिए गठबंधन और नहीं चलेगा। राजभर को कुछ मिलेगा? ओम प्रकाश राजभर तक गए भैया, 10 मार्च के बाद उनका जमानत जब्त हो जाए तो है बताई दी।
की वापसी करवा रहे हैं। बाबा का वापसी दुनिया चाहता, हम तो छोड़ा यूपी पूरा दुनिया चाहता, बाबा वापसी कर रहे हैं, बाबा एकदम वापसी कर रहे हैं। आप देख नहीं रहे हैं भैया, आप सपा का खाता नहीं खुलने वाला है, ये बाबा वापसी करेंगे। महादेव महादेव, बाबा वापसी। जी जय श्री राम। पाँच अब हम लोग बहुत हुरा खाया, 5 बजे माइक नहीं बजने वाला है, अब शंख बजेगा, अब आकाश में शंख बजेगा तो आकाश में जाएगा नारायण जी के, चालीसा चलवाएंगे। अब चलने वाले हम लोग कहाँ कहाँ बहन सपा वाले कहलन सारे कुर्सी नहीं भरा, यहाँ तो कुर्सियाँ नहीं बा, यहाँ तो कुर्सी उड़ागल, कुर्सी भर गई। हाँ उड़ागल कुल सारे कहलन सपा वाले के कुर्सी नहीं मिला, देखा यहाँ कुर्सियाँ नहीं बा, हर हर महादेव। देखा रे कि सब इधर आ, जी इधर, ये एम की बात कर रहे हैं जिनको बोलने का ढंग नहीं है, पुलिस वालों को अरे अरे करके बुला रहे हैं, ऐसे सीएम बनेंगे यूपी को जिनका बोलने का ढंग नहीं, वैसे सीएम को हमें जरूरत नहीं है, जो प्रदेश की रक्षा करे हमें वैसे सीएम चाहिए, जो बहन बेटी की रक्षा करे हमें वैसे सीएम चाहिए, और जो जनता की देखभाल करे हमें वैसे सीएम चाहिए, और जिनको बोलने का ढंग नहीं हो उनके ऐसे सीएम की जरूरत नहीं, हमें हमेशा बस बुलडोजर बाबा की चाहिए। भगवान जो राम को लाए हैं उनको लाएंगे, जो राम को लाए हैं जय श्री राम। भगवा टोपी, वो भगवा टोपी पसंद है या लाल टोपी? भगवा टोपी, भगवा टोपी, भगवा टोपी, भगवा टोपी या लाल? हम लोग को भगवा पसंद है। पहली बात, एक बात कि हमने आप जो है कि पहली बार मीडिया वालों को मैं प्रबल धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप पहली बार मैं बात करा रहा हूं बनारसी जिले में, जिस हिंदू का खून न खौले खून नहीं हुआ पानी है, जो रामलला को भूलोगा उसके बेकार। ये जिस जोश के साथ कह रहे हैं कि पूरा हिंदू समाज एक है, जातियां हट करके एकजुट वोट करेगा वाकई में? हाँ, जाति हट के केवल हिंदू समाज, जातियां खत्म, जातियां खत्म, खत्म, 85-15, 85-15, जातिवादी खत्म, कुछ नहीं, कोई जाति नहीं, जातिवादी खत्म, हिंदू जाति, हिंदू जाति, हिंदू हिंदू वोट, एकदम हिंदू वोट करा, मुसलमान भी वोट करेंगे। योगी जी ने कहा था लोग विरोध कर रहे थे कि ए 80-20 का मतलब क्या, मैं बताता हूँ। एक मिनट बाबा, 80-20 का मतलब बता रहे, सुन लीजिए। 80-20 का मतलब, 80-20 का मतलब ये हुआ, 80-20 का मतलब ये हुआ कि 80% जो है योगी की तरफ से, और 20% जो है विरोधी है, बस यही बात है। तो फिर ये बोट में भी जब पड़ेंगे 7 तारीख को, तो 80% एक तरफ बोट जाएगा। हाँ, एक तरफ सीना पर मोदी हाथ को मुमकिन है। कौन, क्या नाम है आपका? नाम क्या, नाम? मुन्ना सरा। अच्छा, मोदी जी यहाँ पर आए हुए हैं तो आप लोग आशीर्वाद देने आए हैं? 7 तारीख को वोट पड़ने वाले, किसे समर्थन कर रहे हैं? अब आयल भाई तो मोदी जी पसंद है। मोदी जी पसंद है। हाँ, आप अपना नाम बताएंगे? हमारा नाम सरता है। बताना कि मोदी जी को इतना जो महिलाएं समर्थन कर रही हैं, क्यों पसंद कर रही हैं इतना? मोदी जी हमारे सबसे अच्छा है, सबसे बेस्ट है, सबसे सुंदर है। जब तक सूरज चांद रहे, जब तक मोदी जी योगी जी का नाम रही। ज्यादा ममता बनर्जी? नहीं नहीं, वो लोग को नहीं, वो लोग तो अब अपना देश खोखला कर रहे हैं, उन लोग को नहीं देंगे हम। नहीं है, जब तक सूरज चांद रही योगी मोदी जी का नाम रही। हर महादेव, हर हर महादेव के नारे के साथ आप लोग मोदी जी को वापस, योगी जी को समर्थन। योगी के विजयी बनाई मोहर कमल पे लगाई, कमल पे लगाई अपन देश बचाई, कमल के लगाई बनाई बा मोहरिया मल पे लगाई बा, जय श्री राम। मतदान में भी कमल पे मोहर लगेगी? जी, यस जी, रहे और रहेंगे, हमेशा रहेंगे, जिंदाबाद जिंदाबाद मोदी जी, जिंदाबाद जिंदाबाद, जब तक सूरज चांद रही योगी मोदी का नाम रही। योगी मोदी जी को फिर से वापसी करवा रहे हैं आप लोग? हाँ, मुझे लेना है वोट मोदी जी को। हाँ, सहयोग है, आशीर्वाद दे रहे हैं आप लोग? हाँ, जिंदाबाद। भगवान का नाम लेके 9 दिन का पुआ सके, महीना भर का पुआ सके, सिर्फ मोदी योगी को चाहेंगे। हाँ, इसके उससे अच्छा कोई हमारे लिए नेता ही नहीं है। मोदी जी को, मोदी जी को, मोदी जी का, मोदी जी का ही, मोदी जी इतना बेस्ट है,
गैस उजेला दिए, रोड दिए, लाइट दिए, हमको राशन दे रहे एक महीना के लिए, हमको क्या चाहिए? हमको रहने हमें लिया हमें तो कुछ, वो लोग तो कुछ दिए ही नहीं, वो लोग तो कुछ दिए ही नहीं घर में। एक मिनट घर में तो उजाला दे नहीं सके तो क्या हम लोग को खाना देंगे? अब की बार वोट दे दो, सपा वाले कह रहे 300 यूनिट फ्री देंगे। एक भी नहीं, वो लोग का झूठा वादा है, वो लोग झूठे हैं। हाँ झूठे हैं, वादा करते हैं लेकिन भूल जाते हैं। हम लोग के पास आते हैं, कहते हैं हम ये करेंगे वो करें, घर में जाके चूल्ही में घुस के बैठ जाते हैं। नाम बताओ। लाल मणि। अच्छा मोदी जी को देखने आए यहाँ पे? हाँ। तो मोदी जी को वोट पड़ने वाले हैं अब, तो मोदी योगी जी का साथ देंगे आप? हाँ लोग साथ देंगे। इतना क्यों पसंद करते हैं? हम लोग को सब चीज का, कोई चीज का कमी नहीं करा है तो क्या बोलेंगे? कोई चीज की कमी नहीं है? नहीं, कोई चीज का कमी नहीं है तो कहाँ से हम करें? हम लोग को सब चीज राशन भी मिल रहा है, गैस सिलेंडर मिल रहा है, सब चीज तो कोई चीज का आशीर्वाद है। वोट पड़ने वाले 7 तारीख को आशीर्वाद सबको। जब तक बनी भैया मोदी का सरकार की बम बम बोल रहा है योगी, बम बम बोल रहा है योगी सरकार की, राम राम बोल रहा है यूपी, हर हर बोल रहा है यूपी। नाम बता दो। नाम राजनाथ पटेल। पटेल जी बताइए, वाराणसी में मोदी जी भी आए हुए हैं और मायावती का सामने कार्यालय बना हुआ है, अखिलेश यादव भी आए हैं, आप किसे किसकी आशीर्वाद दे रहे हैं? देंगे मोदी को वोट देंगे। मोदी जी को क्यों पसंद करते हैं इतना? मोदी जी को पसंद काहे करते हैं इतना? इतना काम करते हैं, पसंद नहीं कर जाइए सब। पानी हमने के ट्यूबवेल का अच्छा कुल मिले सर, लेकिन हमने किसान आदमी, किसान सब क्या काम के लिए ना काम कर रहे हैं सब? किसान सब नहीं करते, करे जाए दूसरा नहीं करते हैं, ये पूरा काम करते हैं, रातों दिन लाइन दिए हैं, नहीं 2 घंटा लाइन मिले तो रहा तब अब आसानी से काम हो जाता है किसानों का। अब किसान का आराम से काम हो जाता? अरे आराम से मिले तो पानी की, हाँ आराम से भरे जो मतलब। फिर योगी आदित्यनाथ आने वाले आपके क्षेत्र के अंदर 7 तारीख को वोट पड़ने वाले हैं, तो आप लोग समर्थन कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल देंगे की, बिल्कुल देंगे। बाबा आपका नाम बताइए। राम लखन। राम लखन जी बताना कि बनारस में वोट पड़ने वाले हैं 7 तारीख को, आप लोग किसे आशीर्वाद दे रहे हैं? मोदी जी। मोदी जी को? मोदी जी को क्यों पसंद कर रहे हैं? भाई हर काम सुनते हैं, हर काम बगैर कहे पहुंचा देते हैं। अच्छा। हाँ बिना कहे? हाँ जैसे नमुआ लिखा दो जाए सब आ जाए। बाकी लोग जो है अखिलेश यादव है, मायावती है, इन लोगों को नहीं पसंद करते? ये क्षेत्र में कभी कह देना ही बात कुछ नहीं ना। तो मोदी जी को समर्थन है फिर? हाँ। तो ये नाम बताइए। इंद्र कुमार पटेल। पटेल जी यहाँ पर विधानसभा। अच्छा ये बताना कि यहाँ पर वाराणसी में वोट पड़ने वाले 7 तारीख को आपका समर्थन किस ओर जा रहा है? नीरतन पटेल नीलू जी को गठबंधन के साथ में? गठबंधन के साथ है। अनुप्रिया पटेल मेरी, अनुप्रिया पटेल जी ने मोदी जी को समर्थन किया है, तो आप लोग भी योगी आदित्यनाथ को और मोदी जी के साथ? जी हम उनके साथ हैं और पूर्ण बहुमत से सरकार पिन बनाने जा रहे हैं, 300+ होने वाला है पिन, और उसके बाद जो भी योजनाएं मोदी जी के सब घर घर पहुंच रहा है, सब खा रहे हैं पी रहे अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है, सड़कें बनी हैं, बिजली की व्यवस्था है और कोई दिक्कत नहीं है। ज्यादा वोट मांगने आपके पास पहुंचे हैं, कुछ समर्थन मिलेगा? कुछ नहीं, समर्थन बराबर है हर जात यादव को मिलेगा समर्थन? समर्थन मिलेगा लेकिन वो नीचे रहेंगे ग्राफ से। जी सरकार फिर योगी सरकार बनने वाली है। जी नाम 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 अरुणा सिंह। वाराणसी में प्रधानमंत्री पहुंचे हुए हैं, 7 तारीख को मतदान होना है, महिलाएं किस ओर जा रही हैं? मोदी की ओर जा रही हैं, योगी मोदी। हाँ हम लोग उसी के तरफ से। पसंद क्यों करते हैं मोदी योगी को? अरे योगी जी मोदी जी हम लोग आशा बहू हैं, हम लोग के लिए बहुत कुछ किए हैं। क्या किए एक बार बताएंगे तो लोग कैमरा पे देख पाएंगे? अरे प्रधानमंत्री जनधन योजना दिए हैं, उज्जवल योजना दिए हैं, आयुष्मान दिए हैं, बहुत कुछ हम लोग दवा के लिए दिए हैं, हर कुछ दिए हम लोग के लिए प्रधानमंत्री। 7 तारीख को मतदान की बारी है, तो आप लोग समर्थन कर रहे हैं? हम लोग सबको समर्थन कर रहे हैं। बनर्जी और अखिलेश यादव पहुंचे उनको कुछ समर्थन? नहीं 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 किसी का नहीं, हम लोग योगी के तरफ से हैं, एकदम मोदी के तरफ से। नाम बताएंगे? मनभावती सिंह। बताना कि प्रधानमंत्री को क्या और नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ पहुंचे आपके क्षेत्र के अंदर, 7 तारीख को मतदान है, महिलाएं किस ओर जा रही हैं? जा रही हैं सब योगी के, मोदी के तरफ। हाँ मोदी योगी के। उन लोगों को इतना पसंद क्यों कर रहे हैं लोग? एक ही गरीब हैं, अधिक से अधिक गांव में उन लोगों को सुविधा देते हैं,
आजकल जो है कि अनाज के साथ साथ नमक तेल घी दाल सब चना दे रहे हैं। बीच में लोगों के बीच जाते होंगे, महिलाओं के बीच, तो उनका क्या मूड दिखाई दे रहा है इस बार? उन लोगों को यही दे रहा है कि हम लोगों को सुविधा मिल रहा है, ऐसा ही सरकार हम लोगों को चाहिए। तो फिर से सरकार बनने में आप लोग सहयोग कर रहे हैं? हाँ, हम लोग सहयोग कर रहे हैं। नाम बताइए। प्रदीप कुमार जायसवाल। कहाँ से आए हैं? वाराणसी से। वाराणसी जिले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए हुए हैं, लगातार आपको दिख रहा होगा इतना बड़ा जन समर्थन मिल रहा है, वोटिंग होने वाली है, वाराणसी में जनता का क्या मूड है? वाराणसी का यहाँ पे 8 विधानसभा क्षेत्र है, 8 के 8 विधानसभा जो है मोदी जी के पक्ष में पूरा मूड बना लिया है वोट देने का। तो ये जो मूड आप कह रहे बना लिया 8 विधानसभा में, 7 तारीख को वोटिंग होनी है, तो जनता जो है वो किस तरह से तैयारी करके बैठी? जनता सर पूरी एकदम पूरी अपनी जो है कि तैयारी करके बैठी हुई है, केवल 7 तारीख का इंतजार कर रही है कमल के फूल पर बटन दबाने के लिए। विपक्ष में तमाम लोग जो आए हुए हैं वाराणसी में, उनसे कुछ होगा? नहीं सर, विपक्ष लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, उनका कोई हमारे यहाँ विधानसभा क्षेत्र में 8 के 8 विधानसभा क्षेत्र में उनका कोई मतलब नहीं है, न तो वो एक सीट भी यहाँ से जीत पाएंगे, न तो उनका कोई जनाधार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को समर्थन देंगे सभी? नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वाराणसी संसदीय होने के नाते यहाँ इतना विकास का काम किया है, 8 के 8 विधानसभा क्षेत्र में जो है कि रोड से लेकर के बिजली से लेकर के सड़क से लेकर के हॉस्पिटल से लेकर के रिंग रोडों का और मंदिर वगैरह का कई जो है कि इन्होंने अपने कर कमलों द्वारा जो है कि यहाँ का सुंदरीकरण करने का काम किया है। सड़क बिजली तमाम मिला है, अखिलेश यादव बोल रहे हैं हम तो फ्री में 300 यूनिट बिजली देंगे। वो 300 यूनिट फ्री में क्या देंगे, वो तो केवल लॉलीपॉप दे रहे हैं हम लोगों को, वो 300 बिजली यूनिट देने के बाद में हम ही लोगों से वसूली करेंगे, इसलिए हम लोग उसको निराधार मानते हैं। लॉलीपॉप में जब जनता नहीं फंसे? नहीं, इसमें इस उनके लॉलीपॉप से यहाँ जनता हमारी फंसने वाली नहीं है सर।